कुदरत की शान जैसी सेरेंगेटी में देखने को मिलती है, वैसी और कहीं नहीं मिलती। यहाँ सभी जानवर अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं वो भी, और जिन्हें आप नहीं पहचानते वो भी। इलाके से लेकर खाने और मेटिंग तक हर बात के लिए यहाँ कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इनका पूरा जीवन चुनौतियों और रुकावटों भरा और कभी ना खत्म होने वाला सफर है। जहां पानी है वहां सेरेंगेटी का ड्रामा कुछ और लुभावना हो जाता है। ये सेरेंगेटी कुदरत के कहे अनकहे हर रूप का जोरदार ऐलान है। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। कुछ मौसमों में यहाँ इतना ज्यादा शिकार मिलता है कि शिकारियों को सोचना पड़ता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। इतने बड़े और चौकन्ने झुंड को डराने के लिए शिकारियों को कुछ खास नहीं करना पड़ता। घास में हल्की सी सरसराहट और सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ताजा घास की तलाश में ये झुंड के झुंड जानवर पूरी सेरेंगेटी नापने चल पड़े हैं। शेर शिकार के मूड में ना हो तब भी उसे देखते ही बड़े बड़े झुंडों में भगदड़ मच जाती है। बिल्ली जाति के जानवर अपने शिकार के साथ खेलने के लिए मशहूर हैं। शेरनी को देखते ही झुंड में हाहाकार मच जाता है। लेकिन शिकार खेल है नंबरों का, और शेरनी अकेली हो तो शिकार में 5 में से 4 बार नाकाम हो जाती है। समय समय पर जंगल में लगने वाली आग भी शिकारियों का जीना और मुश्किल कर देती है। जब गर्मी से झुलसे जंगल में छिपने के लिए घास तक न हो तो शिकार और शिकारी दोनों के ही लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। शिकार कामयाब होगा या नहीं इसका फैसला कई बातों से होता है। एक तो ये कि शिकार कितना तंदुरुस्त है। और दूसरा ये कि शिकारी कितने हैं। लेकिन यहां 4-4 चीते मिलकर भी शिकार में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये सब एक ही तरफ से शिकार के पीछे भाग रहे हैं।
जमीन का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता अपने शरीर का तापमान बढ़ जाने के डर से ज्यादा देर तक इतना तेज नहीं भाग सकता। यहां इस सॉल्ट प्लेन में ये गठीली शेरनी किसी इंपाला हिरन के शिकार की फिराक में घूम रही है। लेकिन हिरन को पकड़ना एक अकेली शेरनी के बस की बात नहीं है। एक तंदुरुस्त हिरन इतना तेज भागता है कि अकेले शिकारी के हाथ नहीं आता, शिकारी को साथी की जरूरत पड़ती है। ये चीते अनुभवी नहीं हैं, इसलिए अकेले शिकार कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों और कमजोरों का ही शिकार किया जाता है। एक अकेला चीता शिकार में तभी कामयाब हो सकता है जब वो बिना कोई आहट किए शिकार के एकदम पास पहुंचकर उस पर टूट पड़े। लेकिन हिसाब की गड़बड़ी से जिसका शिकार हाथ से निकल जाए उसके लिए मुंह छिपा लेना ही बेहतर है। अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है यहां के गर्म मिजाज वाले केप बफेलोस। ये इतने भारी भरकम और इनके सींग इतने जानलेवा होते हैं कि आप सोचेंगे इनका शिकार कौन कर सकता है। लेकिन सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में सिर्फ एक शिकारी है जो इन्हें भी मारकर खा जाता है। लेकिन इतने जबरदस्त जानवर का शिकार तभी कामयाब हो सकता है जब शिकारी टीम बनाकर शिकार करें। अनुभव, आपसी सहयोग और तजुर्बे की कमी के कारण इन हट्टे कट्टे बफेलोस की मजबूत दीवार को भेद कर शेर इनके बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। इस रिफ्ट वैली में घायल होने का मतलब है तुरंत मौत। कोई भी बिल्ली हो कुछ नया या अटपटा देखेगी तो घबराते घबराते ही सही उसे टटोलेगी जरूर। और ये क्या है? एक घायल गिद्ध।
वाइल्डबीस्ट्स के बीच एक बदनाम शिकारी घूम रहा है जो अपने शिकार की जान सफाई से गला घोंट के नहीं लेता। स्पॉटेड हाइनास यानी कि धब्बेदार लकड़बग्घे बड़े बड़े शिकारों को जिंदा ही खा जाते हैं। लोग समझते हैं कि लकड़बग्घे दूसरों के मारे शिकार को खा जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनसे ज्यादा तो शेर ही उनके मारे शिकार को खा जाते हैं। एक ही इलाका और शिकार होने के कारण शेरों और लकड़बग्घों के बीच हमेशा सीधा मुकाबला रहता है, लेकिन केप बफेलो को मारना किसी लकड़बग्घे के बस की बात नहीं है। ये शिकार तो कोई उस्ताद ही कर सकता है। अपने झुंड से दूर भटक आया बफेलो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही शिकारी पर हमला कर देता है। लेकिन जरा सा मौका मिलते ही शेरनी उसे दबोचकर उसकी रीढ़ पर दांत गड़ा देती है। शेर आमतौर पर इस तरह शिकार करते हैं कि पहले शेरनी शिकार को गिराकर दबोच लेती है, फिर शेर आकर बाकी सब संभाल लेता है। पर कई बार शेर भी अपना वजन डालकर शिकार को काबू में कर लेता है। बाकी बफेलोज अपने साथी को छोड़कर आगे निकल लेते हैं। शेर अपने शिकार को दम घोंट कर मारते हैं, शराफत नहीं, अपनी हिफाजत के लिए। क्योंकि मरने के बाद इसके सींग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतना बड़ा शिकार है कि अब ये शेर परिवार कई दिनों तक भरपेट खाएगा। काली पीठ वाले भूखे सियार की नजर इस ग्रैंड्स गजेल हिरनी और इसके बच्चे पर है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए इसे हिरनी के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। दोनों देर तक गोल गोल घूम घूम कर एक दूसरे को तोलते रहते हैं। लगता है दोनों में से कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन बच्चा है कि उसे पता ही नहीं वो किस खतरे में है। आखिर सियार ही पीछे हट जाता है। कुछ इलाकों के शेरों में रिवाज है कि वो सिर्फ बड़े जानवर का शिकार करते हैं। शेरों की एक अनुभवी टीम एक बड़े जिराफ को मार सकती है, लेकिन जब छोटा शिकार आसानी से हाथ आ जाता हो तो बड़े के पीछे क्या पड़ना। जिराफों के बच्चे ज्यादा नहीं बचते, 50-75% बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं। खुद को बचाने के लिए एक वयस्क जिराफ अपनी टांगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी एक जोरदार दुलत्ती शेर की जान ले सकती है। लेकिन हर शिकार की तरह वो भी खतरा देखते ही वहां से भाग खड़ा होता है।
जिराफ का बच्चा अपने माँ बाप जितना तेज नहीं भाग सकता, इसलिए उसे बचाने के लिए वो एक चाल चलते हैं। वो उसे शिकारी से दूर भगा ले आते हैं। काफी दूर आने के बाद माँ बाप अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं और बच्चा छिप जाता है। लेकिन अफसोस, वो खुद को ठीक से नहीं छिपा पाया। दूर से देखती हुई माँ उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। शेरनी शिकार को छाया में खींच लाती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर खाती है। बरसों प्यार से पाला पोसा बच्चा एक पल में जान गंवा बैठा। ये हजारों फ्लेमिंगोस यहाँ इन खनिजों से भरपूर गुनगुने पानी के स्रोतों का आनंद लेने के लिए जमा हुए हैं। पास ही एक सियारों का जोड़ा भी मंडरा रहा है, इस उम्मीद में कि इनमें से कोई झुंड से दूर भटक आए तो उसे पकड़ ले। सियार बड़े मौका परस्त, चालाक और धुन के पक्के शिकारी होते हैं। लेकिन यहां तो छिपने की कोई जगह ही नहीं है। किसी तरह खुद को आधा अधूरा छिपाकर सियार घात लगाकर बैठ जाता है। जानी पहचानी छप छप सुनते ही हरकत में आ जाता है। एक लंबे सफर के बाद इन जानवरों ने बबूल के जंगल के पास डेरा डाल दिया है, लेकिन शिकारी तो यहाँ भी हैं, इसलिए ये हरदम चौकन्ने और भागने को तैयार रहते हैं। सेरेंगेटी के ये मुसाफिर यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते रुकेंगे, बस इतना कि इनकी अगली पीढ़ी दुनिया में आ जाए और इनके साथ चलने लायक हो जाए। माना जाता है कि इनके इतने सारे बच्चे इसलिए होते हैं ताकि ढेरों शिकारियों की बलि चढ़ने के बाद भी ज्यादातर बच्चों को बड़े होने तक जिंदा रहने का मौका मिल जाए। hmm.
इस मौसम में यहाँ शिकार करने के लिए किसी उस्तादी की जरूरत नहीं पड़ती। इन दिनों इस झुंड में करीब 5 लाख बच्चे और जुड़ गए हैं। शेर और लकड़बग्घे जी भर कर खा रहे हैं, लेकिन विल्ड बीस्ट की आबादी इतनी बड़ी है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थॉमसन गजेल के बच्चे भी इसी मौसम में पैदा होते हैं। लेकिन चीता है कि सामने इतना बड़ा झुंड देखकर भी एक नर गजेल के शिकार के चक्कर में है। चीते वहीं शिकार करते हैं जहां शेर और लकड़बग्घे नहीं करते। इनकी रफ्तार आपको दिल थाम लेने पर मजबूर कर देगी। ये जब शिकार करता है तो पहले तो भागते हुए हिरण को पंजा मारकर नीचे गिरा देता है और फिर शेर की तरह ये शिकार का गला घोंटकर उसे मार डालता है। शिकार के बाद उसे खाने से पहले चीते को अपनी थकान से उबरने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। सेरेंगेटी में विल्ड बीस्ट्स एक बार फिर अपनी उस अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। कभी कभी ये आपस में लड़ भी पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही है। शेरनी अकेली है, लेकिन मौका पहचानती है कि पानी में वो ज्यादा आसानी से शिकार पर हावी हो सकती है। इस मैरिबू स्टॉक जैसे उड़ने वाले शिकारी पहले देखते हैं कि आज किसे खाया जाए। अरे वाह, फ्लेमिंगोस! इस स्टॉक के बच्चे खाने के लिए अभी तक अपने माँ बाप पर ही निर्भर करते हैं। हर शिकारी की तरह ये भी पहले हालात का जायजा लेता है और अगर कोई आसान शिकार सामने हो तो ये मौके का फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। आज इसकी नजर फ्लेमिंगो के एक छोटे बच्चे पर है जो अभी ठीक से उड़ नहीं सकता। यहाँ इन खानाबदोश जानवरों की इतनी भीड़ है कि कंधे से कंधा छिल रहा है और ये संख्या ही इनकी शक्ति है।
लेकिन अपने समाज की सुरक्षा से दूर आ भटकने वाले कुछ बेवकूफ यहां भी हैं। इन चार मेल चीतों ने एकजुट होकर शिकार करना सीख लिया है। ये समझ गए हैं कि पहले चारों तरफ से शिकार को घेरो, फिर एक साथ टूट पड़ो। और जिस शिकार पर चार चार चीतों का पहरा हो, वहां कोई गिद्ध अपना जोर नहीं दिखाता, बल्कि चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता है। जिंदा रहने के लिए पानी तो सभी जानवरों को चाहिए, और जहां पानी है वहां शिकार भी आते हैं और शिकारी भी, पानी के अलावा खाने के लिए भी। शिकार करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और नहीं। घबराया हुआ बछड़ा समझ नहीं पाया कि पानी में किस तरफ भागे। ये नादानी उसे बहुत महंगी पड़ी। ग्रांट्स और टॉमसन्स गजेल का छोटा सा झुंड एक दुधमुहे बच्चे के साथ शांति से घास चर रहा है। ये बच्चा चीते से तेज नहीं दौड़ सकता। चीते को पास आता देख ये छिपने के लिए भागता है। इसकी मां इसकी जान की खैर मनाती दिख रही है, पर यहां दुआओं से जान नहीं बचती। यहां तो कोई एक मरता है तभी दूसरे जिंदा रह पाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे ही शिकार बनते हैं, क्योंकि उनमें शिकारियों से बचने का दमखम नहीं होता। लेकिन जो जख्मी है उसके लिए खतरा और भी ज्यादा है। छोटे मोटे जख्म वक्त के साथ भर सकते हैं, लेकिन कईयों को यहां वक्त ही तो नहीं मिल पाता। ये जख्म अक्सर किसी अपने के साथ भिड़ने का ही नतीजा होते हैं। मेल टॉमीज इलाके और मेटिंग के हक के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। पर जख्म ठीक ना हो तो उसकी महक तेज नाक वाले शिकारियों को पास ले आती है। और जब ऐसे जख्मी जानवर के पीछे कोई ऐसा शिकारी पड़ जाए तो उसे एक ही चीज बचा सकती है,
कोई उससे भी ज्यादा आसान शिकार का दिखाई दे जाना। एक जवान घायल शिकार डटकर और देर तक सियार का मुकाबला कर सकता है, लेकिन एक कमजोर बच्चा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। उसकी माँ उसे बचाने की एक कमजोर कोशिश करती है, पर उसका बच्चा अब जिंदा बचा ही कहाँ है। वो आया तो था एक बड़े और जख्मी शिकार को मारने, लेकिन हाथ आया एक छोटा शिकार। लेकिन सियार के इस जोड़े के लिए कामयाबी सिर्फ एक ही बात से तय नहीं होती। छोटा शिकार ही सही, पर कम से कम खाना तो मिला। इस नई नई मां बनी टॉमसन गजेल को फिलहाल किसी मेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मां पास ना हो तो बच्चे की सहज बुद्धि उसे घास में छिपने की प्रेरणा देती है। इसके शरीर से इसका पता देने वाली कोई गंध नहीं निकलती, लेकिन सियार तो सियार है, चतुर और शिकार ढूंढने में अव्वल। कुछ ही दिनों में इस फीमेल सियार के बच्चे होने वाले हैं, इसलिए आजकल इन्हें हर वक्त खाना जमा करने की ही पड़ी रहती है। माँ टॉमसन गजेल के हाव भाव से ही ये समझ गए हैं कि इसका बच्चा भी यहीं कहीं मौजूद है। मां का डर और बेचैनी बता रही है कि वो बच्चे की खातिर जान पर खेल जाएगी। और वो ऐसा ही करती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जी जान से सियारों का मुकाबला करती है, लेकिन वो अकेली ना तो उनसे जीत सकती है ना जीत पाए। शिकारियों ने शिकार आपस में बांट लिया, यानी अब चोरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लकड़बग्घों को बहुत दूर से शिकार की गंध आ जाती है, आस पड़ोस वाले पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। चलो कुछ नहीं से तो आधा ही अच्छा।
जितना खाना था खा लिया, बाकी बुरे वक्त के लिए दबा कर रख दिया। अब इस खजाने से लुटेरों को दूर रखना इसके जोड़ीदार का काम है। काम खत्म। अपनी महायात्रा के दौरान जब इतने सारे विल्ड बीस्ट बच्चे देते हैं तो हर तरफ उन्हीं के बच्चे नजर आते हैं और ये बहुत ही कमजोर होते हैं। इन दिनों अपनी भूख मिटाने के लिए शिकारियों को मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। ऐसे में मां खुद को बचाए या बच्चे को? विल्डबीस्ट मां जानती है कि यहां उसकी हार तय है, उसका बच्चा शिकारी का शिकार बनकर ही रहेगा। लेकिन ये क्या, शेरनी ने तो उसका दम घोटा ही नहीं, नाप तक दांत गड़ाए। दुखी विल्डबीस्ट मां समझ नहीं पा रही है कि शेरनी चाहती क्या है। लगता है ये शेरनी भूखी नहीं है, फिर भी शिकार को देखा तो उसे पकड़े बिना नहीं रह पाई। इस वक्त ये बच्चा उसके लिए खाना कम, खिलौना ज्यादा बना हुआ है। ये बच्चा कुछ ही घंटे पहले दुनिया में आया है, वो भी एक जेनेटिक समझ के साथ, लेकिन इस वक्त उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो शेरनी को कुछ और ही समझ रहा है। वो उसमें ममता का स्पर्श ढूंढ रहा है, उसे मां का दूध पीना है। बेचारा बच्चा क्या जाने कि इस वक्त उसकी जिंदगी दुनिया के एक सबसे जानलेवा शिकारी के रहमो करम पर है। अब तक तो किस्मत ने वाकई इसका साथ दिया है,
तभी किसी बात से शेरनी का ध्यान भटकता है। विल्ड बीस्ट्स के झुंड में कुछ हलचल सी हुई है। बच्चा एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसकी माँ को अब भी उम्मीद है कि बच्चा शायद उसके पास पहुंच जाए। बच्चा जान बचाने के लिए सिर्फ भाग ही सकता है, और अब जब मौका है तो वो भाग लेता है। शिकार हाथ से निकल गया। ये एक दुर्लभ पुनर्मिलन है। विल्ड बीस्ट्स फिर आगे चल देते हैं, एक ऐसे सफर में जिसमें रास्ता खतरनाक है और मौसम उनके खिलाफ। और रास्ते में वो चालाक शिकारी भी तो मिलेंगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए इन्हें ही तो अपना खाना बनाना है। इस चीता माँ को अपने अलावा अपने बच्चों का पेट भी भरना है, बस कोई शिकार हाथ आ जाए। ये लड़ते हुए ग्रैंड्स गजेल्स न तो बच्चे हैं न घायल हैं। इतने बड़े ग्रैंड्स गजेल पर हमला करने की हिम्मत कोई भूख से पागल चीता ही कर सकता है। मां चीता के बड़े बच्चे भी शिकार में उसका साथ देते हैं, लेकिन इतने सारे शिकारियों से घिरने का मतलब ये नहीं है कि ये गजेल मारा ही जाएगा। माँ चीता को उसका गला पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। यहां सारा खेल इस बात का है कि दम किस में ज्यादा है, शिकार में या शिकारी में। इस गजेल के सींगों के बीच आकर चीता मां बहुत बड़ी गलती कर देती है, और अगले ही पल शिकार शिकारी बन जाता है और शिकारी शिकार। आज अपने सींगों के जोर पर इस गजेल ने एक पूरे चीता परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। उसके दिए जख्म की वजह से अब ये शिकार नहीं कर पाएगी। शिकारी अगर शिकार न कर पाए तो वो और उसके बच्चे मर जाते हैं। सेरेंगेटी में जिंदा रहने के लिए जरूरी है
खुद का बचाव। अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने की सूझबूझ का होना एक बेहतरीन खूबी है। मेहनत से किए गए शिकार चोरों को बुलावा देते हैं, इसलिए खाने की पहरेदारी जरूरी है। इलाके और मेटिंग के हक की तरह जंगल में ज्यादातर मामलों में खुद के बचाव का एक तरीका है तेज रफ्तार। ज्यादातर गजेल्स की तरह इंपाला दौड़ने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और हर तरीका एक खास संदेश देता है। उछलकर दौड़ने के इस तरीके के कई मायने निकाले गए हैं। कहते हैं कि उछलकर भागने वाला हर जीव दरअसल अपने शिकारियों को एक सुरक्षित दूरी से ये बताता है कि वो चुस्त और तंदुरुस्त है। कम उम्र के गोल्डन जैकल्स की भाग दौड़ पड़ोसी प्लोवर की चेतावनी भरी आवाज सुनकर रुक जाती है। एक पफ एडर सांप पक्षियों और जैकल्स दोनों के लिए ही खतरा है। अक्सर कहा जाता है कि हमला करना बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। सांप बुरी तरह घिर गया है। इस तरह के मुकाबले में गिनती बहुत मायने रखती है। शेर की शिकार करने की एक नाकामयाब कोशिश इंपाला के झुंड को तितर बितर कर देती है। कभी कभी खुद को बचाना जानलेवा साबित हो जाता है। एक गलत कदम, बिना सोची समझी छलांग और एक घायल टखना मौत की वजह बन सकता है। शिकारियों की नजर जवान, बूढ़े और घायल जीवों पर ही होती है। लेकिन कमजोर बच्चों को बचाने के लिए उनकी मां का अपनी जान की बाजी लगाने का इरादा पक्का होता है। लेकिन जैकल्स भी कम हिम्मती नहीं होते। झुंड के कुछ थॉम्सन गजेल शिकारी का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी बच्चे की मां पर ही होती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाती।
जैकल आखिरी बार कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मत बच्चा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। रिफ्ट वैली की बहुत सी नदियों और जलमार्गों में एक ऐसा जीव है जिसकी बच्चों की देखभाल की आदतों को प्रकृतिवादियों ने शुरू में गलत समझा था। विशाल नाइल क्रोकोडाइल अपने बच्चों की सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये अंडे के शेल को धीरे धीरे तोड़कर बच्चों को बाहर निकालते हैं। नन्हे बच्चों को अपने बड़े से मुंह में लेने की इस आदत की वजह से नाइल क्रोकोडाइल को पहले स्वजाति भक्षी जीव कहा गया था। लेकिन ये तो बच्चों को पानी तक पहुंचाने का बस एक तरीका है। मिट्टी के अंदर छिपे बच्चों की तेज आवाज सुनकर भारी भरकम मां उन्हें बचाने आ जाती है। इस मां के बच्चे लाचार हैं क्योंकि उनके दुश्मन आसमान और जमीन दोनों पर हैं। लेकिन जब उनके बचाव के लिए एक बड़ा सा रेप्टाइल पास में हो तो शिकारी दूर ही रहते हैं। दूसरे नाइल क्रोकोडाइल्स बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन पानी में पहुंचने के बाद भी उनकी सुरक्षा उनकी मां की ही जिम्मेदारी है। फिश ईगल को क्रोकोडाइल के बच्चे बहुत पसंद हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद मां बच्चों को पानी में छोड़ देती है। शुरुआत में बच्चे पानी में और तट पर भी उस क्रोकोडाइल केव के आसपास रहते हैं जिसे उनकी मां ने खास तौर पर खोदा है। मां अपने बच्चों का ख्याल 2 साल तक रखती है और उसके बाद बच्चों को खुद संभलना पड़ता है। कम उम्र के क्रोकोडाइल्स के मरने की गिनती बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि सिर्फ 1% बच्चे ही जवान हो पाते हैं। बच्चे कीड़े खाकर अपना पेट भरते हैं क्योंकि मां बच्चों को सुरक्षा तो देती है पर खाना नहीं। पानी तक चक्कर लगाने वाली पहरेदारी में कभी कभी बच्चे अकेले भी रह जाते हैं।
पानी में रहने वाले किसी भी रेप्टाइल के लिए माहिर पक्षियों से बचने के मौके कम ही होते हैं, पर कोशिश तो करनी ही होगी। फिश ईगल को अपने पक्के इरादे का इनाम मिल गया। ये मादा चीता शिकार ढूंढ रही है। भूखे बच्चे अपने बचाव और खाने के लिए पूरी तरह से मां पर निर्भर होते हैं। इस शिकारी को एक आसान शिकार की तलाश है। बच्चों का पेट भरना है तो शिकार करना होगा, और इसके लिए शायद तेज रफ्तार ही काफी है। वो अपने बच्चों को बुलाती है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। शिकार करना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल काम है शिकार की पहरेदारी। हाइनास ताकतवर होते हैं। मुकाबले के लिए ललकार कर ये मादा चीता बहुत बड़ा जोखिम ले रही है। इसके लिए शिकार बचाने से ज्यादा जरूरी है बच्चों की रखवाली। वक्त पर हमला करने के बावजूद वो मुकाबले में हार गई। इनाम हाइना के हाथ लगा। सेरेंगेटी में ढलते सूरज की चौंका देने वाली खूबसूरती दिन की हलचल में थोड़ा सा ठहराव लाती है। ये माँ अपने बच्चों को पानी तक पहुंचाने में जुटी हुई है। जो बच्चे कुछ ही मिनट पहले दुनिया में आए हैं, उनके लिए मां ही सब कुछ है।
इसने 3 महीने तक घोंसले की पहरेदारी की है और जहां तक बच्चों के शिकार का सवाल है, इनके लिए ये वक्त सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। बच्चों को पानी तक पहुंचाने के लिए इसे कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस दौरान घोंसले पर खतरा मंडराता रहता है। पानी में छोड़े जाने के बाद बच्चों को दूसरे वयस्कों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बड़े कैनिबल क्रोकोडाइल्स के लिए ये आसान शिकार होते हैं। बच्चों को पानी तक ले जाने के दौरान नाइल क्रोकोडाइल्स के लिए अपने खुले घोंसलों को फिश ईगल से बचाना नामुमकिन हो जाता है। यहां जमीन पर मॉनिटर लिजर्ड हमला करने के लिए तैयार है। बच्चों की पुकार सुनकर दोस्त और दुश्मन दोनों ही घोंसले की तरफ आते हैं। ये अगर वक्त रहते पहुंच गई तो अपने बच्चों को बचा लेगी। मॉनिटर को सब्र रखना होगा। प्लोवर पक्षी के घोंसले पर सनसनी फैली हुई है। एक पफ एडर सांप रास्ते में आने वाले हर घोंसले के पक्षी को निगल जाता है। मेल प्लोवर पक्षी और ज्यादा खतरनाक दिखाई देने के लिए और सांप का ध्यान बटाने के लिए अपने पंख फैलाता है, तो बच्चे छिपने के लिए दौड़ते हैं। प्लोवर पक्षियों के कुछ और दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। यहां सांप की दाल नहीं गलने वाली। क्रोकोडाइल के घोंसले पर हमला नए सिरे से शुरू होता है। फिश ईगल्स और मॉनिटर लिजर्ड्स बहुत ध्यान से अपनी अपनी बारी तय कर लेते हैं। मजबूरी में ही मां अपने खुले घोंसले को छोड़कर जाती है। गर्मी से परेशान क्रोकोडाइल को पानी की ठंडक तो चाहिए।
घोंसले में अब भी कुछ अंडे हैं जिन्हें ये शिकारी निगल रहा है। धावा बोलने वाला ये रेप्टाइल अंडे का शेल तोड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करता है और फिर उसे खा लेता है। कभी कभी चोरी करना खुद शिकार करने से ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिर उसे अपनी ही बिरादरी से बचाना भी पड़ता है। एक कम उम्र फिश ईगल के लिए उस मैराबू स्टॉक पर हमला करना आसान नहीं जो मेहनत से किए गए अपने शिकार को बचाता है। जानवर उन चीजों की रक्षा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। मॉनिटर लिजर्ड्स हर तरह के अंडे पसंद करती हैं। ये पक्षी भूखे शिकारियों को अपने घोंसले तक पहुंचने से रोक रहे हैं। एक शिकारी तो भाग गया, मगर दूसरे को अपने सबसे खूंखार रूप में भी डराना आसान नहीं होगा। इस झगड़े में बेचारा वर्विट मंकी बेवजह भगाया जा रहा है। एक नाइल क्रोकोडाइल के बच्चे अभी अभी जन्मे हैं। उसके बच्चों को दूसरे मगरमच्छों से खतरा है और वो खुद अपने बच्चों की रक्षा करेगी। मां के साथ रहने में ही भलाई है। नाइल क्रोकोडाइल्स मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के बच्चों को भी खा जाते हैं, लेकिन शायद इस मां को यह मंजूर नहीं है। अगर किसी ने इसके बच्चों के पास जाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। फिलहाल ये शिकारी मगरमच्छ शिकार ना मिलने पर किसी और पर अपना गुस्सा उतारता है।
टॉमसन गजेल्स अपने बच्चों की रक्षा के लिए शिकारी को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। गोल्डन जैकल के दिखते ही गजेल का बच्चा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। बच्चे को बचाने के लिए मां बीच में आकर खुद को शिकारी का टारगेट बनाती है। गोल्डन जैकल बड़े गजेल्स का शिकार नहीं कर पाते, इसलिए मां के बीच में आने से शिकारी धीमा पड़ जाता है और बच्चे को झाड़ियों में गायब हो जाने का मौका मिल जाता है। अब बच्चा इस जैकल की नजरों से बहुत दूर है। लेकिन गजेल की ये तरकीब तब काम नहीं आती जब बच्चा शेर के इलाके में पहुंच जाए। आगे खतरा है और एक गलत कदम इस बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। यहां कोई तरकीब काम नहीं आएगी, ऐसे शिकारी से बचना नामुमकिन है। लेकिन इस शेरनी को अपने शिकार को बचाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इलाके में दो अनजान शेर घुस आए हैं। कम घास की झाड़ियों में शेरनी अपने शिकार के साथ नजर आ गई है। वो शेर से लड़ना नहीं चाहती, मगर अपने शिकार को छोड़ना भी नहीं चाहती। दो शेरों से मुकाबला मुमकिन नहीं है, इसलिए मौका देखते ही शेरनी भाग निकलती है। अपने शिकार को बचाकर खाने में सबसे आगे हैं लेपर्ड्स यानी तेंदुए। ये बड़ी बिल्लियां सबसे पहले अपने शिकार को पेड़ पर ले जाती हैं और फिर निश्चिंत होकर उसे खाती हैं। खाना खत्म करने के बाद वो कंकाल को नीचे फेंक देती हैं या वहीं पेड़ पर लटका हुआ छोड़ देती हैं।
दूसरे शिकारियों से अपने खाने को बचाना सेरेंगेटी का हर रोज का ड्रामा है। पहले चरण में इसकी शुरुआत होती है एक शानदार शिकार से। शिकार होने पर ऊपर से देखने वाले वल्चर्स यानी गिद्ध सबसे पहले हरकत में आ जाते हैं। खुले मैदान में शिकारी अपने शिकार को छिपाने की कोशिश करता है। छांव काफी दूर है और वहां तक पहुंच पाना शायद आसान नहीं होगा। दूसरे चरण में होती है छीना झपटी यानी झुंड में हमला। बड़े से बड़ा शिकारी भी चोंच और तेज नाखून वाले ढेर सारे पक्षियों के साथ क्या मुकाबला कर पाएगा। वो चाहे तो कोशिश कर सकते हैं मगर नतीजा सब जानते हैं। तीसरे चरण में एक और शिकारी इन गिद्धों पर भी भारी पड़ता है और वो है स्पॉटेड हाइना यानी लकड़बग्घा। उसके आने पर गिद्ध रास्ता छोड़ देते हैं, वो अपना हिस्सा लेकर निकल जाता है। इस बीच मगरमच्छ के झुंड में बच्चों और शिकारी के बीच खुद मां खड़ी हो जाती है। अफसोस, किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ऐसे कई और बच्चे हैं जो आज इस शिकारी की दावत बनेंगे। ढलान सीधी है, एक गलत कदम मौत की ओर ले जा सकता है। इस बेचारी की किस्मत फूटी हुई है। शायद आज किस्मत ने साथ दे दिया है। इस मगर के मुंह में सिर्फ कीचड़ आया है। लेकिन धीरज रखना इन नाइल मगरमच्छ की खासियत है। एक और करीबी मामला। इस बार बच्चे की रक्षा के लिए मां सामने आई है।
इस प्लोवो पक्षी के उछलने से जैकल समझ गया है कि पास में कोई शिकार है। प्लोवो पक्षी का बच्चा घास में पड़ा हुआ है। एक साथ झुंड में हमला करने से जैकल भी भाग जाएगा। अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस मां को कड़ी लड़ाई लड़नी होगी। एक टहनी पर एक फिश ईगल मां के पानी में उतरने का इंतजार कर रहा है। पानी में होने के बावजूद ये मगरमच्छ मां अब भी चौकन्नी है। और शिकारियों को कड़े संकेत भेज रही है। अपने बच्चों की रक्षा करना इस मां का कर्तव्य है, मगर यहां जंगल के इस इलाके में अक्सर कुछ पड़ोसी घूमते घूमते दूसरों के घर में ताक झांक करने आ जाते हैं। ये हिप्पो मगरमच्छ के बच्चों का शिकार करने नहीं आया है, मगर उसके भारी शरीर के नीचे उसके बच्चे कुचलकर मर सकते हैं। लेकिन तभी मां अपने बच्चों को बचाने आ गई और उसने हिप्पो को पीछे हटने का इशारा कर दिया। लेकिन लगता है इसने इशारा ठीक से नहीं समझा। गोल्डन जैकल्स भी जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाले हैं और इसके लिए उन्हें अपने इलाके की रक्षा करनी होगी। नर जैकल बड़ा गड्ढा खोद रहा है और मादा बैठे देख रही है। गड्ढा तैयार होने पर मादा आराम से उसमें बैठकर अपने बच्चों को जन्म देगी, मगर दोनों ही अपने इलाके में किसी भी तरह के शिकारी की मौजूदगी नहीं चाहते और हनी बैजर की तो बिल्कुल नहीं। एक हनी बैजर से तो शेर भी डरता है। एक हनी बैजर जैकल के बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए दोनों नर और मादा उसे अपने इलाके से बाहर भगा रहे हैं। मगरमच्छ को अपना घर बहुत पसंद होता है। सूखे के मौसम में पानी में रहना मुश्किल हो जाता है,
इसलिए शरीर को ठंडा रखने के लिए वो पानी से बाहर आते हैं। ये छांव उन्हें सुरक्षा देती है। मगरमच्छ खुद गुफा बनाते हैं और इन गुफाओं में कई मगरमच्छ एक साथ रहते हैं। खाने की कमी के दौरान ये रेंगने वाले जीव अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे ईस्टिवेशन कहते हैं, और तब उठते हैं जब हालात बेहतर हो जाएं। चीतों का अपना कोई घर नहीं होता, बल्कि इनके इलाके होते हैं, जिनकी जानकारी वो दूसरे चीतों को भी देते हैं। अपनी गंध से वो अपने इलाकों पर छाप छोड़ते हैं। अपनी सीमा दिखाकर ये चीता दूसरे को दूर भगा रहा है। एक माँ अपने बच्चों के साथ किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती, दूर रहने में ही इसकी भलाई है। एक छोटे विल्डबीस्ट के झुंड के पास ये चीता दो और साथियों के साथ शिकार पर उतरा है। अकेले शिकार करने से ज्यादा कामयाबी मिलकर शिकार करने पर मिलती है। एक जवान विल्ड बीस्ट अकेला पड़ गया है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर मुकाबला तीन चीतों के साथ है। ऐसे मुकाबलों में चीते अपने मुख्य हथियार यानी रफ्तार और पंजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस बछड़े ने खुद को कामयाबी से बचा लिया और फिर से झुंड का हिस्सा बन गया है। झुंड में रहने वाले जानवरों में माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे बड़ा और सबसे पहले होता है। दूसरी प्रजातियों में ये रिश्ता सहज प्रवृत्ति पर और आनुवांशिक रूप से बनता है, यानी जेनेटिकली ड्रिवन होता है, और परिवार की शुरुआत तब होती है जब नर मादा से मिलता है। संबंध बनाने की कोशिश के दौरान सेक्रेटरी पक्षी जमीन पर पंख फैलाकर एक दूसरे का पीछा करते हैं। मेटिंग होने पर नर और मादा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं, और बच्चों के घोंसले छोड़कर जाने पर भी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। गोल्डन जैकल्स की जोड़ियां भी जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाती हैं। मेटिंग के दौरान ये एक पल के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए ये जोश और उल्लास के साथ एक दूसरे पर कूदते हैं।
चीतों में जोड़ियां नहीं होती। मेटिंग की उम्मीद में नर अपने भाइयों के साथ मादा का पीछा करते हैं। इतने सारे नर होने के बावजूद मादा की इजाजत के बिना कोई उसके करीब नहीं आ पाएगा। सभी नर चीते पूरी कोशिश कर रहे हैं, मादा भी मेटिंग के लिए तैयार है, मगर ये सही समय नहीं है। सही समय आने पर वो खुद नर को करीब आने की इजाजत देगी। शेर की दुनिया में नर और मादा का मिलना हमेशा हैरतअंगेज होता है। ये नर मादा के एक झुंड पर आक्रमण करने जा रहे हैं, जहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नर नहीं है। आमतौर पर ऐसे आक्रमण के बाद नर मादा के बच्चों को मार देते हैं, इसलिए यहां मादा इस आक्रमण को रोकने की तैयारी में है। मादा नर के सामने झुक चुकी है, मगर हार नहीं मानने वाली। दो मादा एक शेर पर भारी पड़ सकती हैं, और मादाओं के झुंड के सामने टिकना आसान नहीं है। शेर चाहे तो किसी भी शेरनी का शिकार कर सकता है, मगर इसमें नुकसान उसी का है, बदले में उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। शेर अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कब शांत होना चाहिए। इस तरह ये शेर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या शेरनियां मेटिंग के लिए तैयार हैं। शेरनियों के बच्चों की उम्र 1 साल से ज्यादा हो गई है, इसलिए शेर उन्हें मार नहीं पाएंगे। कुछ खरोंचों के बदले अब इस शेर को अपना एक परिवार मिल गया है। ये शेर और शेरनी अब अपना परिवार भी बसाएंगे। मादा की गंध से नर तैयार बैठे हैं। वो फिर एक बार मादा के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। मादा अब भी तैयार नहीं है। नर को कुछ देर और इंतजार करना होगा।
इन हिरणों के लिए परिवार इनकी प्राथमिकता नहीं होती है। इनके सख्त पैर और बेहद तेज नाक बता रही है कि कोई मादा करीब ही है। छोटे बच्चे जल्द ही नए बच्चों को जगह देंगे। मादा इस वक्त मेटिंग के लिए तैयार नहीं है। शेर के इस नए परिवार में शेरनी जता रही है कि वो अब परिवार को बढ़ाने के लिए तैयार है। बहुत कम ऐसा होता है जब मादा नए नर के साथ अपनी पहली ही मेटिंग में गर्भ धारण कर ले। उन्हें इस बात की तसल्ली चाहिए कि नया नर अपने परिवार को बचाने की क्षमता रखता है और उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। ये अगले 4 दिनों तक मेटिंग करते रहेंगे। शेरों की तरह लेपर्ड्स भी उतने ही दिनों तक उतनी ही बार मेटिंग करते हैं, मगर जमीन से थोड़ा ऊपर। आखिरकार नर के झुंड में से सबसे प्रबल नर मादा चीता के इशारे पर करीब आ जाता है। चीतों में बच्चों की देखभाल मां ही करती है, मगर बच्चे पैदा करने के लिए इस मादा को नर की जरूरत है। अगर ये कामयाब रहे तो ये मादा 3 महीने में बच्चे देगी। नर चीतों से उलट नर गीदड़ एक सच्चे पिता का किरदार निभाते हैं और अपने बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। मादा 2 महीनों तक गर्भ धारण करती है, जिसके बाद बच्चे को जन्म देती है और दोनों नर और मादा मिलकर बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये इंपाला मां बच्चे को जन्म देने जा रही है। इंपाला का पूरा झुंड नए मेहमान को देखने के लिए उतावला हो रहा है। मादा एक पेड़ की छांव में बच्चे को जन्म देती है। सात महीने तक कोख में रखने के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म हो गया। कुछ ही समय बाद मां बच्चे को झुंड से मिलाने ले जाएगी। दूसरी हिरण प्रजाति जैसे कि थॉमसन और ग्रैंड्स गजेल से उलट ये अफ्रीकी हिरण इंपाला यहीं रहना पसंद करते हैं और दूसरों की तरह लंबे माइग्रेशन पर नहीं जाते हैं। बच्चा इस समय झुंड के सदस्यों को देखकर हैरान है। हर कोई उसी को देख रहा है।
दूसरे बड़े बच्चे इस नवजात को दिखा रहे हैं कि उसे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। मादा चीता ने भी अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। मादा चीता बच्चे को जन्म देने के बाद ऐसे इलाके की तलाश में होती हैं जहां वो अपने बच्चों को शिकारियों की नजर से बचा सके। इस घनी झाड़ी में चीता के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद माँ बच्चे को अपने से ज्यादा दूर नहीं जाने देती। किसी भी तरह के खतरे का आभास होने पर माँ तुरंत अपने बच्चे को कहीं और ले जाएगी। एक दूर दराज इलाके में शेरनी ने 3.5 महीने तक गर्भ धारण करने के बाद नए नर के बच्चों को जन्म दिया है। इस समय वो अपने बच्चों के साथ अकेली रहना चाहती है ताकि उसके बच्चों को किसी भी तरह का खतरा ना हो। उसके बच्चे बिल्कुल बेबस हैं और उनकी आंखें खुलने में 11 दिन लग सकते हैं। मगर जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी मां के शरीर के सही हिस्से तक पहुंचना होगा। हाइना माएं अपने बच्चों को रखने की जगह रोज बदलती हैं। चीतों की तरह इनके बच्चों को भी शेर से खतरा होता है। लकड़बघे यानी हाइनास के परिवार में ओहदा एक बहुत अहम चीज होती है और परिवार की सबसे बड़ी मादा ही प्रमुख होती है। जिंदा रहने के लिए अक्सर हाइनास के बच्चे अपने भाई बहनों से लड़ते हैं और इस दौरान अक्सर कईयों की मौत भी हो जाती है। मादा चीता उन जानवरों पर भी नजर रखती हैं जो उनके बच्चों के लिए आम तौर पर खतरा नहीं होते। अपनी मांद को बार बार बदलना खतरनाक हो सकता है। शेरनियां अपने बच्चों की हर शैतानी को झेल लेती हैं, मगर वे अपने बच्चों के आसपास दूसरे जानवरों के बच्चों को नहीं देख पाती। मांद को बदलना आसान नहीं, खासकर जब हर तरफ शिकारी घूम रहे हों। एक समय पर चीता माँ सिर्फ एक ही बच्चे की जगह बदल सकती है। इस दौरान दूसरे बच्चों को खतरा हो सकता है। अपने बढ़ते परिवार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नर गोल्डन जैकल अपनी मांद को बढ़ा रहा है। मादा जैकल अपने बच्चों को नए घर ले जा रही है और एक पक्षी इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। बच्चे सिर्फ 1 हफ्ते के हुए हैं और वो अब भी देख नहीं सकते, इसलिए पूरी तरह मां पर निर्भर हैं। एक और पक्षी पास आ रहा है, मगर ये वाला शिकारी है। ये क्राउन डीगल
जैकल के बच्चे को उठाकर ले जा सकता है, और ये इस मादा जैकल को मंजूर नहीं होगा। पास ही में चमगादड़ जैसे कानों वाली ये लोमड़ी अपना घर बना रही है, मगर किसी और के इलाकों को हड़पना नुकसानदेह हो सकता है। जैकल यानी सियार का परिवार अपने इलाके को मार्क करने के लिए एक खास काम करता है। दो जैकल्स के सामने एक फॉक्स स्टिक नहीं पाएगा। मौका देखकर जैकल्स ने अपनी जमीन फिर से हथिया ली है। फॉक्स का साथी आते ही मुकाबला अब बराबरी का हो गया है और दोनों का इलाका बंट गया है। चीता के पांच बच्चे अब भी जिंदा हैं और एक महीने के हो गए हैं। आमतौर पर मुश्किल हालात और शेर के खतरे की वजह से चीता के बच्चे जिंदा नहीं रह पाते हैं। पांच का ग्रुप होने से खेलने के लिए हरदम कोई ना कोई जरूर होता है। दूसरे जानवरों की तरह चीते के बच्चों को भी अपनी मांसपेशियां मजबूत और हरकत तेज करनी होती है। बच्चों को जन्म देने के एक हफ्ते बाद शेरनी ने अपना इलाका बदल दिया है। जितनी ज्यादा देर बच्चे एक ही जगह पर रहेंगे उतनी ही उनकी गंध बढ़ती जाएगी और शिकारियों का खतरा भी बढ़ता जाएगा। जिराफ अपने बच्चों का ख्याल खुद सिक्योरिटी गार्ड बनकर करते हैं। वयस्क जिराफ की एक लात शेर की जान ले सकती है। रिफ्ट वैली में अक्सर शेर जिराफ का शिकार करते हैं। तो फिर मादा जिराफ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती है जब दूसरे वयस्क खाना ढूंढने निकलते हैं? शेरों की तरह मादा जिराफ को भी नर जानवरों से कोई मदद नहीं मिलती है। जब बात अपने बच्चों की रक्षा की हो तो जिराफ एक कमाल का तरीका अपनाते हैं। वयस्क जिराफ जब खाना खा रहे होते हैं तो सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक मादा जिराफ बच्चों का ख्याल रखती है। खतरे का आभास होते ही वो अपने बच्चे को और दूसरी मादाओं को चौकन्ना कर देती है। फिलहाल उन्हें कोई खतरा नहीं है।
क्योंकि शेरनियों का पेट भरा हुआ है, वो आराम फरमा रही हैं और अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। शेरनी के बच्चों के लिए परिवार के साथ बड़ा होना बहुत जरूरी है। शेर 21 घंटे तक आराम करता है और शेर के रिश्तेदार होने के मायने ये नहीं है कि आप बिना बात उसके आराम में खलल डालें। झुंड के कम उम्र के नर शेर जो जवान होने वाले हैं थोड़े सहमे सहमे से रहते हैं। बड़े नर उनकी मौजूदगी को ज्यादा देर तक नहीं सहेंगे। एक दूसरी मां ममता के बोझ तले दबी जा रही है। इसके 6 बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं। 1 महीने की उम्र के ये बच्चे दूध पीने बार बार मांद से बाहर निकल आते हैं। जैगल के बच्चों के लिए इस बड़ी दुनिया की हर चीज नई है। और नजदीक से गुजरता ये जीव भी तो कितना बड़ा है। जिराफ के लंबे लंबे पैर, गर्दन और पूंछ को देखकर बच्चों को हैरानी हो रही है, लेकिन जब ये चलता है तो वयस्क भी छुप जाते हैं। इलाके में ऐसे जीव आ रहे हैं जो जैकल का शिकार बन सकते हैं। टॉमसन गजेल के झुंड बिल्कुल उसी वक्त आते हैं जब मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं। जैकल्स के विपरीत नर गजेल बच्चों के लालन पालन में कोई मदद नहीं करते। उन्हें तो बस मादाओं के चक्कर लगाने होते हैं। मादा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया हो तब भी नर के बीच में आने और अपनी मां के उससे दूर भागने से दुविधा में पड़ा बच्चा घास में बैठ जाता है। अभी जबकि उसके पैरों में ताकत भी नहीं आई है, बचाव का ये सबसे बढ़िया तरीका है। नर जैकल पहले से छिपाए शिकार को ढूंढकर निकाल लेता है। वो उसे खाता तो है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। जैकल अपने बच्चों को मुर्दा खोरों से बचाने के लिए खाना अपने पेट में भर कर ले जाते हैं। मिन्नत करते बच्चों के लिए वो आधा पचा खाना जुगाली करके उन्हें खिलाता है। माना जाता है कि इसी वजह से डॉग्स को अपने मालिक का मुंह बहुत पसंद होता है। फैमिली में एक टीम की तरह काम करके जैकल अपने बच्चों की देखभाल और उनका पेट बेहतर तरह से भर पाते हैं। चीता के इन 5 बच्चों की सेहत बहुत बढ़िया है। अब जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब इन्हें अपनी मां से दूर होना पड़ेगा। चीता के बच्चे 16 से 18 महीने के हो जाने पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अक्सर इसी वक्त उनकी मां फिर से गर्भवती होती है।
बच्चों को पेट भरने के लिए माँ की छत्रछाया जितने लंबे वक्त तक मिलती है, उनके वयस्क होने के मौके उतने ही बढ़ जाते हैं। झुंड के नर नई उम्र के इस दौर का अनुभव करते हैं, हालांकि 2 साल के हो जाने तक उनका सही तरह से प्रजनन कर पाना मुश्किल है। मादा बबून भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। ये बंदर बहुत ही जोखिम भरी टोलियों में रहते हैं और मादाएं अपने नन्हे बच्चों को सीने से चिपका कर रखती हैं। खाने की कमी हो जाने पर बबून सॉसेज ट्री के नीचे गिरे फूलों को खाते हैं। अपनी माहिर उंगलियों से बंदर बीज और कीड़े मकोड़ों को भी उठाकर खा लेते हैं। गर्भवती मादाओं को अगर दूसरी माओं की इजाजत मिल जाए तो अनुभव के लिए वो उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती हैं। बबून इलाके में दूर दूर तक जाते हैं, विशाल झुंडों का पीछा करने वाले इन जीवों की तरह। सेरेंगेटी में खून के रिश्तों के पीछे छिपी दुश्मनी के बहुत से उदाहरण हैं। दो जवान नर शेर बड़े प्यार से अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। सर रगड़कर ये एक दूसरे की गंध की पहचान करते हैं, जिससे दोनों में प्यार बढ़ता है। अगर ये साथ रहे तो इनके लिए खतरा कम हो जाएगा, एक से भले दो। इन्हें भी अपना अपना झुंड चाहिए। 2 बच्चों वाली ये शेरनी यहां के एक झुंड का हिस्सा है। झुंड के अकेले नर के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बढ़ते परिवार की सुरक्षा कर सके। छोटी उम्र के बच्चों वाली मां को सबसे ज्यादा खतरा होता है। झुंड पर कोई और कब्जा करे तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी का है। एक जवान नर कॉपिया कहलाने वाली पथरीली चट्टान की तरफ बढ़ता है। शेरनी को अपने बच्चे छुपाने होंगे। 2 के सामने एक अकेला मुखिया नर को अपनी हार का पता चल गया है। बिना झुंड के इसका भविष्य अंधेरे में है। यहां रहने वाले झुंड के सदस्य भी दूसरी जगह ढूंढने चल पड़ते हैं। कॉपिया पर अब दूसरा जवान नर बच्चों की तरफ बढ़ता है। बच्चों के घर में एक हत्यारे की घुसपैठ। शेरनी की ममता जाग उठती है और अब उसे बस किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को बचाना है। लाख कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ कुछ देर के लिए ध्यान बटा पाती है। शेर दूसरे के बच्चों को नहीं अपनाते और अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए वो बड़ी बेरहमी से बच्चों को मार देते हैं।
पहला जवान नर मां को और दूर ले जाता है। इसने अपने बच्चों को खो दिया है। अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं। हमला करने वाले शेरों को अपने भविष्य की गारंटी के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। अब एक ऐसे नए झुंड के साथ भविष्य जुड़ा है जिसकी ताकत को घुसपैठियों ने बुरी तरह से घायल किया है। एक तरफ हुकूमत जमाने के लिए शेरों की मारधाड़ है तो दूसरी तरफ फैमिली के मायने हैं आपसी प्यार, दूसरों का भला करने वाला प्यार। कोई दूसरा मौका होता तो घायल चीते को मरा हुआ ही माना जाता, लेकिन भाइयों की एकता ने इस घायल रिश्तेदार को अकेला नहीं छोड़ा। घायल भाई को खाना तो देना ही है। ऐसा निस्वार्थ बर्ताव हर परिवार में देखने को नहीं मिलेगा। शेरों के झुंड में हरेक अपने लिए जीता है। वापस लौटने वाले किसी भी नर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही वो पहले इसी झुंड का सदस्य रह चुका हो। पारिवारिक प्यार जिंदगी के बाद भी मौजूद रह सकता है। एक यतीम हिप्पो अपनी मां के शव के पास बैठा है जिससे मगरमच्छ अब अपना पेट भरने वाले हैं। वो मुफ्त के खाने को धीरे धीरे वहीं से खाना शुरू कर देते हैं जहां से उन्हें आसानी से मिल जाता है। मरे हुए साथियों के प्रति हिप्पोस का बर्ताव बहुत अजीब होता है और इसकी वैज्ञानिक वजह भी पता नहीं है। अनुमान है कि मिनरल्स लेने के लिए ये मृत जीव को इस तरह चाटते हैं। दुखी बच्चा तब तक अपनी मां के पास से नहीं हिलता जब तक कि नजदीक आते हुए मगरमच्छ उसे मजबूर नहीं कर देते। और इनकी गिनती तो बढ़ती ही जा रही है। फिर भी बच्चे ने अपने पैर जमा रखे हैं मगरमच्छ के उसे सूंघ लेने के बावजूद। पार्टी पूरे जोरों पर है तो अब यहां से जाना ही पड़ेगा। शव का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा।
विशाल मैदानों में दूसरे बच्चे मौत के साए से भी दूर हैं। खेल एक जरूरी और मस्ती भरा पहलू है, परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए भी। खेल खेल में ही बच्चों को दुनिया के बारे में पता चलता है। एक डंग बीटल किसी जानदार खिलौने से कम नहीं है। कम उम्र के मैमल्स के लिए खेल जरूरी है, इससे पैरों में ताकत आती है और आपसी तालमेल बढ़ता है। एक अच्छा शिकारी बनने के लिए ये खूबी जरूरी है। बड़े बच्चों के साथ का ये खेल यकीनन बहुत ज्यादा थका देता है। भाइयों में नकली झगड़े शुरू हो जाते हैं। नए नए जोश में चीता के बड़े बच्चों ने एक घुसपैठिए को चुनौती दे दी है। सभी भौचक्के हैं, चीतों के लिए ये एकदम नई स्थिति है। फॉक्स को आगे जाना है, अगर उसे चीतों के बीच में से जाने का रास्ता मिल जाता है तो। कम उम्र के चीतों को फौरन ही पता चल जाता है कि फॉक्स काट सकती है और उससे ना उलझने में ही भलाई है। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब कुछ परिवारों में एकता और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मादाओं के लिए मुकाबला करने वाला ये नर हिप्पो सिर्फ लड़ाई में ही नहीं हारा, इसकी मौत पर एक अनोखा बर्ताव देखने को मिलता है। अपने साथी की मौत पर हिप्पोस के हाथियों की तरह के इस बर्ताव की वजह हमें मालूम नहीं है। इसके झुंड के सदस्य आ गए हैं जो रिश्तेदार ही हैं। वो शव की जांच करके उसे चाटना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे झुंड के सदस्यों को भगा दिया जाता है। ये रस्म शायद सिर्फ परिवार वालों के लिए ही हो। मादाएं अपने बच्चों के साथ गहरा रिश्ता बनाती हैं। झुंड में दादी हिप्पो, बेटियां और दूसरे नजदीकी रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। हिप्पोस की सामाजिक जिंदगी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। साथी की मौत पर होने वाली उनकी प्रतिक्रिया अब भी एक रहस्य है। गोल्डन जैकल की दुनिया में पारिवारिक गहरे रिश्ते तय करते हैं कि आप उनमें शामिल हैं या नहीं।
वयस्क इलाके में गश्त लगाते हैं और गंध छोड़कर हद तय करते हैं। बाहर वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस जैकल को नहीं अपनाया गया। अब इसे अगर हमले से बचना है तो पूरी तरह से समर्पण करना होगा और हार मान लेनी होगी। ये जिंदगी की भीख मांग रही है। मुखिया जोड़े को चुनौती देकर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसे बस कबूल कर लिया जाए। इसकी गंध जानी पहचानी लग रही है। शायद खून का रिश्ता हो। पिछले साल बिछड़ा हुआ अपना ही बच्चा। उसकी तरकीब काम कर गई और उसने अपनी जगह बना ली। इसकी इस हिम्मत की वजह बाद में पता चलती है। ये दो छोटे छोटे बच्चों की मां है। मुखिया नर और मादा अब दादा दादी बन गए हैं। गोल्डन जैकल्स के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी की बदौलत ही ये आज झुंड में सुरक्षित है। सरेंगेटी की दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुकाबला हमेशा चलता रहता है। यहां मुकाबला है शिकार करने का। दीमकों के टीले एक ऐसी जगह हैं जहां से जोखिम और शिकार दोनों पर नजर रखी जा सकती है। जब इतने सारे बच्चों का पेट भरना हो तो मादा चीते को बार बार अपना पेट भरना ही पड़ेगा। एक बार शिकार चुन लिया तो फिर मुकाबला रफ्तार का है। कामयाब शिकार से पूरे परिवार को उम्मीद की एक नई रोशनी मिलती है। साथियों से मुठभेड़ दर्जे के क्रम को बनाने का एक तरीका है। नर सींगों को टकराकर कड़ा मुकाबला करते हैं। जानलेवा हो सकने वाले ये टकराव आम तौर पर खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने का तरीका है। खुले मैदान में हुए मुकाबले में लगे घाव आसानी से नहीं छिपते। इस नर का सामने वाला घायल पैर और साफ झलकती कमजोरी का फायदा चौकन्ने शिकारी जरूर उठाएंगे। कम उम्र के नर इंपाला अपनी ताकत आजमाते हैं। सींग जितने ज्यादा लंबे होंगे मुकाबला उतना ही कड़ा होगा। जिराफ्स में मुकाबला होता है मेटिंग करने के हक के लिए।
लड़ाई करने के उनके अजीबोगरीब तरीके से वो घाव छिप जाते हैं जो उन दोनों को सर टकराने पर लगते हैं। एक मादा नाइल क्रोकोडाइल मुकाबला करते नरों पर नजर रखती है। सभी उम्मीदवारों का लक्ष्य एक ही होता है, मुकाबलेबाज नरों को भगाना। जीतने वाले को इंतजार करती मादा से मेटिंग करने का मौका मिल जाता है। पड़ोसियों को भड़काने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। हिप्पो का गुस्सा जल्दी नहीं उतरता और इसीलिए लड़ाई शुरू करने वाला अपने मुकाबलेबाज को खदेड़ने के बाद भी तमाशा देखने वालों को धमकाता रहता है। इस विशाल नर ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन नया खिलाड़ी पीछे नहीं हट रहा। जीत हासिल करना आसान नहीं है। धमकाने के लिए ये गुर्रा तो रहे हैं, पर एक दूसरे से अभी भिड़े नहीं हैं। लड़ाई शुरू करने वाला नर पीछे हट जाता है और ऑक्सपेकर पक्षी घावों को साफ करने पहुंच जाते हैं। ललकारने वाला नया नर सबसे दूर चला जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बिना गहरी चोट खाए बच निकले। इस बदकिस्मत क्रोकोडाइल का यह पूरा निचला जबड़ा लड़ाई की वजह से अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। हिप्पोस को तो चोटें लगती ही रहती हैं, चाकू की तरह तेज दांत इनकी खाल को चीर देते हैं। घायल होने के बावजूद ये क्रोकोडाइल यहां मछलियों और इधर उधर पड़े मांस को खाकर जिंदा है। ये भयानक नतीजा है इस इलाके के हिप्पो से हारने का। ये शेरनी अब कभी खाना नहीं खा पाएगी, यहां तक कि पानी भी नहीं पी पाएगी। शिकार करने के इसके दिन अब खत्म हो गए। ये इम्पालाज बेचैन हैं। मादाओं पर जीत हासिल करने के लिए ये नर तैयारी कर रहे हैं। ताकतवर इम्पालाज मादाओं को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, या ये कहें कि कम से कम कोशिश तो करते ही हैं। ऐसा लगता है जैसे नरों को गोल गोल घुमाना मादाओं के लिए एक खेल हो। कभी कभी नर इस खेल में इतना मशगूल हो जाते हैं कि दूसरा चालाक नर उसकी एक मादा को उसकी आंखों के सामने ही चुरा ले जाता है।
लेकिन ये नर मादाओं को घेरने में कामयाब हुआ है। रिफ्ट वैली के जलमार्गों में मादाएं पहले से ही एक जगह पर है और नर हिप्पोस हक के लिए मुकाबला करते हैं। मुखिया नर के लिए अपना दर्जा बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए वो खुद को ललकारने की हिम्मत करने वाले हर हिप्पो से लड़ता है। जबड़े से जबड़े को टकराकर नर एक दूसरे की ताकत को परखते हैं। लड़ाई छोटी होती है लेकिन फैसला भी तुरंत हो जाता है। झुंड के ही नर का दर्जा सबसे ऊपर है और उसने प्रजनन करने के अपने खुद के हक को साबित कर दिया है। लड़ाई में नर की जान तक जा सकती है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ है और वो सब कुछ हारा जा सकता है। इस मैदान में कम उम्र के 5 चीते एक अकेले नर के इलाके में घुस आए हैं। अकेले चीते को अपने इलाके में 5 घुसपैठियों का आना अच्छा नहीं लग रहा। मुकाबला कड़ा है। इन 5 को शिकार करने का अपना इलाका चाहिए और गिनती में ये ज्यादा हैं। कम उम्र वालों के पास अनुभव नहीं है लेकिन मुकाबले के लिए तैयार हैं। जैसा कि अक्सर होता है, अकेला नर हार मान लेता है और चला जाता है। चरम शिकारी मुकाबले में दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें खदेड़ना और बर्बाद करना ही उनका लक्ष्य होता है। शेरनी का सामना करके मादा चीते ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शेर चीतों के बच्चों को मार डालते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद मादा चीता भूखी शेरनी को डरा नहीं पाती। लेकिन शेरनी बुरी तरह लंगड़ा रही है। शायद दर्द की वजह से वो पीछा नहीं कर पा रही। दर्द सहते हुए उसने बैठ जाने का फैसला किया। इस गोल्डन जैकल को खाने की तलाश है। स्वाभाविक वजहों से मरे इस गजेल को अभी तक किसी शिकारी ने छुआ तक नहीं है। मुकाबला होगा ये इस नर को मालूम है और इसकी नजर इनाम पर पड़ चुकी है। भरपेट खाने के लिए इसे लंबी हो रही कतार के एकदम आगे जाना पड़ेगा।
इस गोल्डन जैकल को अपने हिस्से के लिए लड़ना आता है। वयस्क शेर हर उस मुकाबलेबाज को मार देते हैं जो लापरवाह होता है। चीते के बच्चे इस वक्त शेरों से ज्यादा फुर्तीले हैं, लेकिन फिर भी शेरों को देखकर उन्हें घबराहट होती है। दो वयस्क नर गश्त लगा रहे हैं। चीतों के पास कोई शिकार नहीं है, इसलिए शेरों को भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दोनों नर शेर 4 साल के हैं और इनकी जोड़ी बहुत ताकतवर है। ये वयस्क शेर अब उम्र के उस दौर में हैं, जहां मुकाबला करने की ताकत तबाही ढाती है। लेकिन चीते इनके शिकार नहीं बनेंगे। शेर के रास्ते में ठीक सामने हाइना का झुंड है। कम उम्र के हाइनास ताकतवर शिकारी नहीं होते, लेकिन शेर उन्हें भविष्य के मुकाबलेबाज ही मानते हैं। बच्चों की देखरेख करने वाले हाइनास बहुत कम हैं और उनके सामने भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जमीन में छिपे बच्चों की जान खतरे में है और वो बहुत बदकिस्मत निकले। आने वाली पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बेरहमी का ये बर्ताव सिर्फ एक प्रजाति में ही नहीं दिखाई देता। शेरों को जहां भी मुकाबलेबाज दिखते हैं वो उन्हें मार देते हैं। कोई भी शेर तंदुरुस्त चीते को नहीं मारता, लेकिन घायल चीता बढ़िया शिकार है। मौत की गंध हर जीव को सतर्क कर देती है। पता नहीं मादा चीते ने यह पहचाना है या नहीं कि ये उसी की प्रजाति का जीव है। ये बहुत तनाव में है और शायद नर्वस भी कि हत्यारा नजदीक ही होगा, जो उसके छिपे हुए बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। अब एक ही रास्ता है कि बच्चों को वहां से हटाया जाए, लेकिन इस तरह उनके लिए खतरा बढ़ सकता है।
शेरनियों में अपने बच्चों के लिए बहुत दया होती है, लेकिन दूसरे शिकारियों के बच्चों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब शिकारी आसपास ही हों, तो जगह बदलने के मायने हैं जोखिम मोल लेना। एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को उठाया जा सकता है, इस तरह बाकी बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। एक जान चली गई। चीतों के आधे ही बच्चे 3 महीने की उम्र तक पहुंच पाते हैं। चीतों के बच्चों का मुख्य हत्यारा है शेर। मादा चीता इंतजार कर रही है कि शेर हटे तो उसे तबाही का अंदाजा हो। वो घास में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये उसके बचे हुए 3 बच्चों में से एक है जो शव के पास सबसे पहले पहुंचता है। अब मां पर सिर्फ 3 छोटी जानों की देखरेख की जिम्मेदारी है। शेर घायल मुकाबलेबाजों को जिंदा नहीं छोड़ते। मादा को अपने बचे हुए बच्चों को अब दूर ले जाना होगा। वल्चर्स की तो पूरी जिंदगी ही मुकाबला है, लेकिन चीते के शिकार की दावत के लिए उनका ज्यादा तादाद में होना फायदेमंद है। एक अकेले शिकारी को आसानी से मात दी जा सकती है और वल्चर्स ये जानते हैं। इस जमावड़े को दूर रखने की ये एक नाकाम कोशिश थी। मौका मिला तो वो अपना हिस्सा झटक ही लेगी। एक और स्कैवेंजर यहां आ पहुंचा है। स्पॉटेड हाइना से बहुत कम जीव जीत पाते हैं। खूबसूरत सेरेंगेटी में कभी ना खत्म होने वाले मुकाबलों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें और बहुत से शिकार होंगे और शिकारी भी।